साथ असम भी स्टेटस रिपोर्ट अपनी दाखिल करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी कि चार ऐसे राज्य हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की और कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दें। मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। दिल्ली में हालात अब बदतर हो चुके हैं, इसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है और कोर्ट कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चार राज्यों पर नाराज दिखा। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, असम में हालात खराब है। सुप्रीम कोर्ट का कहना, लापरवाही के चलते कोविड महामारी बढ़ रही है, पर्याप्त कदम नहीं उठाया तो हालात बिगड़ेंगे। तो कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, असम में हालात काफी खराब हो चुके हैं और इसी को लेकर यहां पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवैस, दो दिन का वक्त मिल गया है, अपनी बातें स्पष्ट करनी होगी इन चार राज्यों को। आप जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना को लेकर सुनवाई हो रही थी, उससे खासतौर से दिल्ली सरकार, राजस्थान, महाराष्ट्र और असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और दिल्ली सरकार से कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि अभी कोरोना की निपटने के लिए आपने किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में की हैं और किस तरह के आदेश जो है वो जारी किए हैं, पूरी व्यवस्था के बारे में हमें बताइए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि बीते दो हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के हालात खराब हुए हैं, ऐसे में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया, इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइल करे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ये कहा कि बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ बैठक की थी और बैठक में कुछ अहम निर्देश दिए गए, लेकिन दिल्ली सरकार को भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाने की जरूरत है। तो फिलहाल अब इस मामले में इस शुक्रवार को सुनवाई होनी है, उस दौरान देश के सभी राज्य जो हैं वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे और देखना यही हुआ कि दिल्ली सरकार क्या जवाब दाखिल करती, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है।